Today's video, we have a special guest with us who have currently working as a developer in NIC. So I would like to introduce Preeti ma'am on my channel. Tell us a little about your background, like college and school, ma'am. Hello everyone, I'm Preeti and I am working as a developer in NIC. And previously I have worked with ACRIS, a Center for Railway Information System. And I have done my BCA and MCA from IGNOU also, which is distance learning education. And that's it about myself. Yes ma'am, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे students हैं वो भी BCA, MCA, IGNOU से ही करने वाले हैं, अधिकतर सभी वही बच्चे देख रहे हैं. तो आपको जैसे प्लेसमेंट में जब आपने ज्वाइन किया, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने कोई जॉब ग्रैब की थी, तो उस टाइम पे आपको किस तरह के इशू फेस करने पड़े, कैन आप बता सकते? एक्चुअली स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए. लाइक जैसे डेटा टाइप्स हो गए आपका, और जो भी आपको लूप्स वगैरह अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए. यस मैम, तो मतलब आपने जब BCA MCA किया था, तो किस मतलब किस सेमेस्टर से आपने कोडिंग करना स्टार्ट किया था? जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अब तो मतलब जैसे आप देख सकते हो कि सब कुछ हमें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कब से हमें मतलब कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? एक्चुअली IGNOU में BCA में सेकेंड सेमेस्टर से सी लैंग्वेज स्टार्ट होता है. तो ये है कि कोडिंग का जो बेसिक नॉलेज होती है हमें, वो सेकेंड सेमेस्टर में BCA में मिलने लग जाती है. तो हमें तभी से ही अपना जो भी है उस पर फोकस करना चाहिए, अगर हम आगे डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कोडिंग को अपना आगे चल के एम बनाना चाहते हैं, और इसके ऊपर ही अगर हम फोकस करना चाहते हैं, तो हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी चाहिए, सी लैंग्वेज से ही. और हमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है. और उसके बाद हम सी लैंग्वेज अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन होता है हमारा, अगर हमने इसमें क्लियर कर लिया, तो उसके बाद हम कोई भी अदर लैंग्वेज, जैसे हम अगर .NET में जाना चाहते हैं, .NET है, जावा है, पाइथन है, आर लैंग्वेज है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम आगे चल के अपना करियर बना सकते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जो कुछ बच्चे BCA MCA IGNOU से करते हैं, ठीक है, और साथ में कुछ बच्चे BTech करते हैं, तो मतलब वो उसमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना बेटर है? क्योंकि जो हम मतलब हमें पता है कि BCA MCA अधिकतर वो बच्चे करते हैं जिनके पास में प्रीवियसली या तो उन्होंने साइंस स्ट्रीम नहीं ली थी, है ना, 11th 12th में, या फिर उनके पास कॉमर्स था, या फिर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो BCA MCA वो बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन BTech में वो एडमिशन नहीं ले सकते. तो बस ये इसका बेनिफिट है, या फिर और भी मतलब कि हमें IGNOU से ही करना चाहिए या हमें BTech करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है? देखिए, ऐसा है कि BTech में हमें रेगुलर आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, और डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग में हमारा ये है कि हम इसमें नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि हम एजुकेशन के साथ साथ हम अपना खुद भी आगे हम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. बट रेगुलर कॉलेज में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको 4 इयर्स अगर आपको देने हैं, तो आपको 4 इयर्स आप और कुछ नहीं कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर आपको करना है तो. बट अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ में जाना चाहते हैं, तो आप ये है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ में आप जॉब भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखते हुए ये है कि, और प्लस जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको, अगर आप अच्छे हैं तभी आप कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो आप ये है कि उसमें BCA, अगर आप BCA MCA IGNOU से चूज करते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए. बट अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम है, बट आप IT में जाना चाहते हैं,
आप आईटी में कुछ करना चाहते हैं तो बीसीए एमसीए भी अच्छा ऑप्शन है। मैम जैसे कि हमें पता है कि हम बीसीए एमसीए करते हैं तो साथ में हमें सीधा जॉब कोई भी नहीं प्रेफर करता है, तो इसके साथ में हमें कोई ऐसी कोर्स या कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ की हम प्रिपरेशन करें सो दैट कि हमें आगे चल के थोड़ा उसका फ़ायदा हो। अब जैसे हम बीसीए एमसीए कर रहे हैं वो तो हमारा डिस्टेंस से होता है, तो उसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं और साथ में आप किसी भी एक लैंग्वेज में अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आप कुछ इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं जिससे आगे चल के आपको थोड़ा सा उसके अंदर मीन्स प्रैक्टिकली आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट्स में कैसे आप काम करेंगे, उसकी नॉलेज आपको अच्छे से मिल जाती है। तो ये है कि आप बी सी ए करते करते साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाइए, इंटर्नशिप कीजिए, तो उससे है कि आगे चल के आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी हो जाएगी और फिर आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। यस मैम, जैसा हम जानते हैं कि जब हम बी सी ए एम सी ए इग्नू से करते हैं ठीक है, तो हमारे पास में कोई ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरीके से कोडिंग करनी है, मतलब ये पता होता है लेकिन एक तरीके से जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत उसका आइडिया नहीं होता है वाइड वे में, तो हमें कैसे मतलब प्रेशर की तरह कैसे हमें जॉब के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपने रिज्यूमे में भी क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए सो दैट हमें उसका थोड़ा बेनिफिट मिल सके। एक्चुअली क्या है कि आपको अगर कोडिंग में जाना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। आजकल गूगल पे आपको सब कुछ मिलता है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं, अपने लेवल पे आप चाहते हैं कि हम खुद से कुछ करें, तो यूट्यूब पे आजकल बहुत से चैनल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप .NET में जाना चाहते हैं, जावा में जाना चाहते हैं या फिर पाइथन वगैरह में अगर आप करना चाहते हैं तो फुल कोर्स है। तो आप ये है कि फुल प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे और वहाँ पे जाके आप उसको इजीली आप हाँ वहाँ से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप आजकल यूट्यूब से और आपको नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेज में काम करना या फिर एक सिंगल लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड हासिल करना, मतलब दोनों में क्या बेटर ऑप्शन है, देख क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं तो वो बेटर ऑप्शन है रदर देन कि आप चार लैंग्वेजेस जानते हैं बट आपको उसमें से किसी में भी अच्छी नॉलेज नहीं है। मीन्स आपको सबका बेसिक्स पता है बट आप स्पेशलाइज्ड किसी में भी नहीं है, तो हमें कोई भी एक लैंग्वेज लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हाँ हम कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और हमें उसी लैंग्वेज को चूज करके आगे उसी में ही स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। यस मैम, तो आज का हमारा इंटरव्यू मैम के साथ था और एक क्वेश्चन और क्लास में ऐड कर देते हैं कि हमें पता है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें मतलब कि एज अ प्लेसमेंट भी कैसे इफेक्ट करेगा और कैसे हमें कोर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इग्नू से हमें पता है क्लासेस कैसी लगती हैं, किस टाइम की लगती हैं ठीक है, और उसमें बहुत सारी झंझट होती है कि स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है वो भी लास्ट टाइम में मिलता है, तो उससे रिलेटेड कुछ वो मतलब कोर्सेज के लिए तो हमारा ये है कि हमें जैसे अगर हमें कोर्सेज करने हैं जैसे आपने बताया मुझे अभी कि अगर लाइक हमारे पास स्टडी सेंटर का कुछ आइडिया नहीं रहता है स्टार्टिंग में, तो जब हमें स्टडी सेंटर पता चल जाता है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि एक बड़ी वहाँ पे विज़िट करना चाहिए कि कैसा स्टडी सेंटर है। तो वो स्टडी सेंटर का हमारे जो आगे चल के हमारा जो करियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली में क्या है कि बहुत से स्टडी सेंटर बहुत अच्छे हैं पर बहुत से स्टडी सेंटर जो है वो बस खाली अटेंडेंस के लिए ही ओपन होते हैं। वहाँ पे आपको खाली अटेंडेंस लगाने जाना होता है और वहाँ पे कुछ स्टडी का कोई भी मटेरियल या फिर जो भी है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इस वजह से ये है कि आपको वो सारी चीज़ें देख के चलना चाहिए कि हाँ आपका स्टडी सेंटर कैसा है, वहाँ पे जो है आपका जो सपोर्टिव जो टीम है वो सपोर्ट कर रही है आपका या नहीं कर रही है, आपको मतलब उस अगर आप कोई क्वेरी कर रहे हैं तो उनके उसके हाँ उसको कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए क्योंकि स्टडी सेंटर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यस मैम,
तो थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो चैट जीपीटी के बारे में बता सकते हैं कि वो हमारे, क्योंकि हम सभी डेवलपर हैं एक तरीके से, प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर वो हमें कितना इफेक्ट कर सकता है? वो अभी वैसे आजकल चैट जीपीटी मीन्स अभी थोड़ा सा चल रहा है, बट एक्चुअली ये बनाया अभी हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है हमें, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और उसके बेसिस पे हमें अपना काम करना है और काम करते रहना है। और ये है कि चैट जीपीटी को चलाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग्स ही चाहिए होंगे, तो इसीलिए हमें ये है कि हाँ, और विदाउट ह्यूमन बींग तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ किसी मशीन को भी अगर आपको ऑपरेट करना है तो ऑब्वियसली आपको ह्यूमन बींग्स ही चाहिए। तो ये है कि इन फ्यूचर तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट हमें ये है कि हमें अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, और दैट्स इट। यस मैम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ओके थैंक यू। नेक्स्ट अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो नेक्स्ट कभी अगर मैम के पास टाइम होगा तो मैम अपना टाइम निकाल कर हमसे बात करने की कोशिश करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।